वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 22 फरवरी 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 11 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा और आज की वीडियो की पीडीएफ आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत कल के क्वेश्चन के रिकैप ऑफ द डे से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, हाल ही में राम मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नृपेंद्र मिश्रा को। कौन सा भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है? सही उत्तर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली। हाल ही में किसने घोषणा की है कि वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए $10 बिलियन का फंड लॉन्च करेंगे? जेफ बेजोस, अमेजॉन के मालिक। कौन सा असम का पहला जीरो वेस्ट टाउन बन गया है? तो यह थितवोर। अगला क्वेश्चन, भारत कब से विश्व के सबसे स्वच्छ पेट्रोल और डीजल पर स्विच करेगा? क्योंकि यह अब यूरो 4th ग्रेड से यूरो 6 उत्सर्जन अनुपालन ईंधन प्राप्त कर चुका है, तो वो करेगा 1 अप्रैल 2020 से। देश को तेलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा? तेलहन मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 को मंजूरी दी है। किस वर्ष तक खुले में शौच मुक्त पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा? तो यह 2024 से 2025 तक। फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी। आयोग कितने वर्षों तक कार्य करेगा? सही उत्तर है 3 वर्षों तक। किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव कोशिकाओं से जुड़ने और उन्हें संक्रमित करने वाले कोरोना वायरस के हिस्से में पहला 3D एटॉमिक स्केल मैप बनाया है? तो यह है अमेरिका ने। और कल के एक प्रश्न का उत्तर था कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर था 19 फरवरी। काफ़ी लोगों ने आप में से सही आंसर दिया। आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय छात्र संसद का उद्घाटन कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 20 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में 4 दिवसीय भारतीय छात्र संसद का उद्घाटन किया। इस आयोजन में 24 राज्यों और 400 विश्वविद्यालयों के 2000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इसमें विविध विषयों के 8 सत्र शामिल होंगे। इनमें जो कुछ बिंदु हैं जैसे जाति, धर्म, वर्ग, आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में अटल किसान मजदूर कैंटीन खोले जाएंगे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स की दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी मंडियों और चीनी मिलों में अटल किसान मजदूर कैंटीन खोले जाने का निर्णय लिया है। ये किसानों और मजदूरों को 10 रुपये प्रति प्लेट की रियायती दर पर सस्ता भोजन उपलब्ध कराएंगे। हरियाणा सरकार हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में 41 विभिन्न श्रेणियों के निवासियों को मुफ्त और रियायती यात्रा सुविधा भी प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। किस राज्य सरकार ने नेहरू बाल संस्कार कोष की स्थापना की घोषणा की है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 फरवरी 2020 को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट पेश किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि बाल श्रम और तस्करी को रोकने के लिए 100 करोड़ रुपए का नेहरू बाल संस्कार कोष स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं राजस्थान की। तो पहले भारत के नक्शे में देखते हैं राजस्थान को। यह राजस्थान पश्चिमी सीमा पर स्थित है। यह आप देख सकते हैं राजस्थान की सीमा पंजाब से, नई दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से मिलती है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान में जिलों की संख्या है 33। राजस्थान का जो गठन हुआ था वो हुआ था 30 मार्च 1956 को राजस्थान का गठन हुआ था। राजस्थान में वर्तमान में राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा जी, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस की सरकार है, एक सदनी विधानमंडल है राजस्थान में। तो राजस्थान 200 विधानसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो राजस्थान में भारतीय संसद की 10 राज्यसभा सीटें हैं, वहीं 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में। और राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने राज्यों को GST के रूप में कितना पैसा जारी किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 19,950 करोड़ रुपए। तो केंद्र सरकार ने राज्यों को GST मुआवजे के रूप में 19,950 करोड़ रुपए जारी किए। इस निधि के साथ केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों को GST मुआवजे की दिशा में कुल 1,20,000 करोड़ रुपए जारी किए। वित्त वर्ष 2018-19 में GST क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इकट्ठी की गई थी। अगला क्वेश्चन, कौन एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली
दूसरी भारतीय महिला बनी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी दिव्या काकरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि दिव्या काकरान का संबंध किस खेल से है, तो यह कुश्ती से। दिव्या काकरान एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी। उन्होंने 20 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में जूनियर विश्व चैंपियन नरहुआ मात्सुयुकी को हराया। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2020 में किसने ESPN की महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए PV सिंधु। तो 20 फरवरी 2020 को विश्व चैंपियन सटलर PV सिंधु ने लगातार तीसरी बार ESPN की महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। और इवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने पुरुष वर्ग में सम्मान को हासिल किया, यानी कि वो ESPN के मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बने। वहीं स्प्रिंटर दुति चंद मैदान पर और बाहर दोनों ही स्थान पर प्रेरणादायक होने के लिए साहस पुरस्कार के लिए पहली विजेता बनी। बात करते हैं कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार की, तो वो जीता है कोनेरू हम्पी ने। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में भाषा और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। इसकी घोषणा पहली बार यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को की थी। इस वर्ष की इसकी थीम थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2020 की जो थीम थी, विषय वस्तु थी, वो थी लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। अगला क्वेश्चन, एथनोलॉज के अनुसार कौन सी विश्व भाषा विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए हिंदी। तो एथनोलॉज के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में पहला स्थान अंग्रेजी का है और पूरी दुनिया में 113.2 करोड़ लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी अंग्रेजी जो है वो पहले नंबर पर है। इसके अतिरिक्त दूसरे स्थान पर चीन में बोली जाने वाली मंदारिन भाषा है, जबकि तीसरे स्थान पर आती है हमारी हिंदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हिंदी है, और हिंदी पूरे विश्व भर में 61.5 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर भारत में ही है, वो भी उत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन, राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महंत नृत्य गोपाल दास। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 19 फरवरी 2020 को पहली बैठक हुई। इसमें नृपेंद्र मिश्रा को भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष, जबकि महंत नृत्य गोपाल दास को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। महंत नृत्य गोपाल दास की बात करें तो इनका जन्म 11 जून 1938 को मथुरा के कहौला गाँव में हुआ था, और उन्होंने 12 साल की उम्र में ही बैराग धारण कर लिया और अयोध्या आ गए। वे महंत राम मनोहर दास के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स की दृष्टि से किसी भी एग्जाम में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 77वें स्थान पर। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित रिपोर्ट में भारत को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में 77वें और फ्लोरिसिंग इंडेक्स 2020 में 131वें स्थान पर रखा गया है, यानी कि सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान है 77वां, वहीं फ्लोरिसिंग इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 131वां। यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ और द लेसेंट मेडिकल जर्नल द्वारा तैयार की जाती है। इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है, जिसके बाद दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड है, और सूची में सबसे नीचे है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड और सोमेलिया। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन से संबंधित और फ्लोरिसिंग इंडेक्स में बच्चों के पालन पोषण तथा खुशहाली से संबंधित सूची जारी की जाती है। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में 2030 के हिसाब से अधिक कार्बन उत्सर्जन पर देशों को रैंक दी गई है। बात यूनेस्को की करें तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, और वर्तमान में यूनेस्को की जो महानिदेशक हैं वो एंड्रे एजोलो। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का, भारत के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर में। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की निर्माण इकाई मणिपुर के
तामेल लोंग जिले में। अब यहाँ पे जिले का नाम आपको याद रखना है, तामेल लोंग जिला है, वहाँ पे भारत के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह 33 मंजिला इमारत के बराबर होगा, जिसकी की ऊंचाई 100 मीटर लंबी है और इसमें 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम तुपुल इम्फॉल की नई ब्रॉडगेज लाइन का ये हिस्सा होगा। इस मार्ग में कुल 47 सुरंगें होंगी, जिसमें कि सबसे लंबी सुरंग है जो वो लगभग 10 किलोमीटर की होगी। बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल, राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला और मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। अब आज के प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, हाल ही में रन फॉर इंडिया टी का आयोजन कहाँ किया गया, रन फॉर इंडिया टी का आयोजन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में विद स्टेट नेम बताना होगा। ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।